सब बहू बेटा नाच रही है और वो गाने भी वो उनके मतलब के हमारे मतलब के तो है नहीं गाने। अच्छा पहले जमा पहले ऐसा था, पुराने गाने थे बीड़ू पाकोवाल और बहुत ही गाने ठहरे रूपसार मोती वाला, उसमें डांस करो तो ये कर नहीं पाएंगे। वैसे भी पूरा गाना बनाएगा और आप उसे भी एक्सेप्ट करेंगे और ये गाना समाज में चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ये महसूस होगा कि हम एक जो मर्यादा की सीमा होती है ना वो पार कर चुके हैं और उस समय वापस लौटने का रास्ता नहीं होगा। नहीं होगा, उस समय वापस आने का रास्ता बंद हो चुका होगा। बंद हो चुका होगा तो इसे हमें यहीं पर रोकना होगा। ये आपका मानना है कि इनको थोड़ा थोड़ा करके कम करना चाहिए, गाँव में ऐसा भी पहल हो सकती है कि ये गाने नहीं बजे तो अच्छा है? ना ना, वो गाने बजने ही बजने हैं क्योंकि लौड़े मोटे, अगर वो गाने नहीं बजेंगे तो लौड़े मोटे डांस ही नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे पक्का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक नए और खास वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही गंभीर विषय पर होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे उत्तराखंड में बजने वाले कुछ ऐसे अश्लील गानों के ऊपर जिन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति और समाज को दूषित करने में कोई भी कभी नहीं छोड़ी है। ये गाने हमारे पहाड़ के नहीं है, कुमाऊनी गढ़वाली या फिर जौनसारी नहीं है, ये गाने हैं या तो भोजपुरी या हरियाणवी या मारवाड़ी बाहर के प्रदेशों के गाने हैं। और मुझे भाषा से कोई एतराज नहीं, लेकिन उनके जो शब्द हैं जिनसे उनकी लिरिक्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं और युवाओं में द्व्यर्थी गानों के प्रति जो है क्रेज पैदा कर रहे हैं। तो आज अपने गांव वालों से यही विषय पे बात करेंगे कि इस तरह के गानों से हमारे गांव में और हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल गांव वालों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले अपने चाचा जी से बात करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे चाचा जी और पिछली वीडियो में भी इनसे मैंने बातचीत की, तो आज एक बार फिर से इनको अपनी वीडियो में ले रहा हूँ। तो चाचा जी ये बताइए कि अभी जो हमारे समाज में गाने बज रहे हैं देसी गाने, थोड़ा उनमें फूहड़ता मुझे लग रहा है कि है, और कई लोगों से मैंने बात की तो उनको भी ऐसा उनका भी कहना था। आप क्या मानते हो, इस गानों से हमारे समाज में क्या फर्क आ रहा है? अरे हमारे समाज में क्या फर्क आ रहा है, सब बहू बेटा नाच रही है और वो गाने भी वो उनके मतलब के हमारे मतलब के तो है नहीं गाने। अच्छा पहले जमा पहले ऐसा था, पुराने गाने थे बीड़ू पाकोवाल और बहुत ही गाने ठहरे रूपसार मोती वाला, उसमें डांस करो तो ये कर नहीं पाएंगे। अच्छा तो जो आजकल के लौंडे हैं, जैसे मैं सुन रहा था एक गाना लौंडिया लंदन से लाएंगे, और या फिर हरियाणा के ठहरे, हरियाणा पंजाणा के, हाँ हरियाणा के गाने हैं, या फिर यहाँ पहाड़ में भी वही सिस्टम हो गया। और एक तो हो गया ये प्लास्टिक के गिलास में चाय पी रहे डिस्पोजल, गिलास धोने का किसी का मन है नहीं। अच्छा आप कह रहे हैं डिस्पोजल यूज हो रहा है उसके बारे में? हाँ ऐसी है, पहले सारे स्टील के, पहले सारे स्टील के ठहरे, हम धोने वाले ठहरे, उनको साफ सुफ करने वाले अपने हाथ से, उसमें दिलचस्पी थी। आजकल किसी को काम बताओ तो वो वहाँ करता है। अच्छा वो इतने बड़ी आग तो हमको दिखा देता है, अब कैसे होगा समाज में। तो ये बताओ कि इन गानों से समाज में कुछ अच्छा संदेश जा रहा है, फिर बच्चों बिल्कुल बेकार संदेश है, ये बिल्कुल बेकार हो गया, ये गाने ठीक नहीं है, ये कहाँ कहाँ के ठहरे, प्लेनसी के गाने ठहरे। चलो गाने कहीं के भी हो लेकिन उनके शब्द अच्छे होने चाहिए ना। हाँ शब्द अच्छे होने चाहिए उसमें, जो जो सही ढंग का हो। अब बच्चों के सामने हम ऐसे गाने सुनेंगे तो बच्चे सब बच्चे ठहरे, सब सभी बैठे रहते हैं वहाँ पे और गाने ऐसे ठहरे, वहाँ से कहाँ सुन कौन सुनेगा और गानों को, फिर शर्म से हम तो साइड हो जाते हैं। शर्म के सयाने लोग तो शर्म से ही दूर हो जाएंगे। वो सयाने का कौन सयाना देख रहा है वहाँ, सब बच्चे तो है आजकल, कोई सयाना गया वहाँ जहाँ पर नाच डांस हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है जो डीजे वीजे में गाने बज रहे हैं इनमें थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। वैसे कंट्रोल होना चाहिए, अब करेगा कौन फिर, अब सरकार थोड़ी करेगी, सरकार तो सरकार अब सरकार थोड़ी चला रही है इसको, इसको तो चलाने वाले गानों को चलाने वाले और ही हैं। लेकिन अपने समाज में हम एक तरह से जागरूकता ला सकते हैं वैसे देखा जाए तो, लाने को तो ला सकते हैं, अब लाने को तो हम क्या क्या लाते हैं पर, लेकिन करेगा हो ही नहीं सकता, अब आगे को बढ़ता गया है, बढ़ता जाएगा और दूषित होता ऐसी हो, गंदगी फैलती जाएगी, मतलब गंदगी ठहरी है, गंदगी ठहरी। ठीक हो गया चाचा जी, ये हो गया। दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमारे राजीव नेगी हैं और अभी ड्यूटी में जा रहे थे तो मैंने इनको भी पकड़ लिया। राजदा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमारे मतलब समाज में पहाड़ में उत्तराखंड में लगभग हर गाँव में आजकल कुछ एक फुहड़ गाने पिछले कुछ सीजनों से चल रहे लगातार, तो उनपे अगर उनको आपने अगर सुना हो, नोटिस किया हो, तो आपको क्या लगा पहली बारी उनको सुन के? पहली बार सुन करके ये जो गाने थे ये मैंने अभी हाल ही में हमारे गांव में जो कुछ समारोह हुए थे उन्हीं में मैंने सुने, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा शौक में था, आश्चर्यचकित था कि इस तरीके के जो
फुहड़ गाने या अश्लील गाने कहे जा सकते हैं, ये किस प्रकार से हमारे समाज में बजाए जा सकते हैं और इसको कोई रोक क्यों नहीं रहा। ठीक है, अब इसका अगर हम थोड़ा और गहराई में जाना चाहें तो हम ये देखेंगे कि ये जो फुहड़ गाने आज के समाज में बज रहे हैं, लोग जिसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, इन गानों पर लोग नाच भी रहे हैं और उसको कोई रोक भी नहीं रहा है, इसका जो ये एक जो सामाजिक चेतना, हमारी जो सामाजिक चेतना का एक तरह से ह्रास हो रहा है, गिर रही है हमारी सामाजिक चेतना, हमारा सामाजिक विवेक जो गिर रहा है ना, इसका जो मेन रीजन है वो हमारा सोशल मीडिया है। अच्छा, कारण कैसे है सोशल मीडिया? क्योंकि आज के जमाने में अगर आप देखें तो YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां अपना पैसा बनाने के लिए, कंटेंट बेचने के लिए, बेसिकली कंटेंट बेच ही रहे हैं हमें दिखाने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं कि पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे, आज से 4-5 साल पहले ना, तो हल्की सी भी अगर किसी वीडियो क्लिप में अश्लीलता होती थी तो उसको YouTube और इंस्टाग्राम या फेसबुक वाले अपने प्लेटफॉर्म से हटा देते थे। वल्गैरिटी हल्की सी भी होती थी तो उसको हटा देते थे। इवन अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो तुरंत हट जाता था रिपोर्ट करते ही। आज के जमाने में क्या है, आप कितना ही किसी भी वीडियो को रिपोर्ट कर लीजिए, उसमें कितनी ही अश्लीलता हो, फोड़ता हो, आप उसको रिपोर्ट करते रहिए, लेकिन वो कभी नहीं हटेगा, क्योंकि समाज का, हमारा जो चेतना का स्तर है, हमारे सामाजिक विवेक का जो स्तर है, वो इतना गिर चुका है कि हमें उसी प्रकार का जो मसाला कंटेंट है ना, वो देखने की आदत पड़ गई है। कुल मिला के जो है हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। हम उस मसाला कंटेंट को अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कंपनी बनाएगी, कंपनी को पैसा कमाना है। हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो कंपनी उसको बनाएगी, उसे प्रमोट करेगी। और जो कंटेंट क्रिएटर है उनकी भी गलती नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत है कि चलो ठीक है उनको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में कंटेंट क्रिएटर भी पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, व्यूज के लिए बैठा हुआ है। अगर हम उस तरह के मसाला क्लिप्स को और रील्स को देख करके उन्हें पैसा कमा के दे रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं बनाएगा? हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, एज अ समाज हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो बनाएगा सामने वाले व्यक्ति। तो ये हमारी खुद की सामाजिक चेतना है जिसे हमें अपने विवेक के अनुसार ढालना होगा, हमें अपने विवेक के अनुसार ये समझना होगा कि कौन सी चीज कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, और उसे रोकने का जिम्मेदारी भी हमारी है। वरना होगा क्या ना, आज के टाइम में क्या है, आज हमने वो गाना बजाया, जैसे कि हमने परसों बीच में सुना था, वो क्या है, वो तांगे वाला है गाना, तांगे वाला है, एक है पांडे जी का बेटा, पांडे जी का बेटा चल रहा है, वो दोनों गाने जो है मतलब अश्लीलता की सीमा थोड़ा सा पार कर देते हैं। वो भी गाना एक और आ रहा है, लौंडिया लंदन से लाएंगे, बहुत ही गंदा गाना है। अगर आप हल्का सा भी महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में अगर समाज में सोचे तो अत्यंत ही निकृष्ट कोटि का गाना है वो। ठीक है, जो कि हमारे समाज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे समाज के आजकल के बच्चे उस गाने में नाच रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज हम उस गाने में नाच रहे हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो कि द्विअर्थी संवाद को अब धीरे धीरे समझना शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के सामने हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ये चलता है। अगर वो चल रहा है आज हमारे जमाने में, तो कल जब हम बूढ़े हो जाएंगे और वो बच्चे बड़े होंगे, वो जब जवानी की दहलीज पे कदम रखेंगे, 20-22 साल के होंगे ना, वो इससे भी ज्यादा निकृष्ट कोटि के गानों पर नाचेंगे और आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उन्हें मना कर पाए। बिल्कुल, कहने का मतलब है जो दूसरी चीजें हैं इससे जनरलाइज होती जाएंगी, ये जनरलाइज होता जाएगा समाज में। जैसे आज से 4-5 साल पहले बिल्कुल भी फुहड़ क्लिप्स नहीं चलती थी यूट्यूब पे, आज वो चल रही, धड़ल्ले से चल रही है। ठीक है, अगर आप हमारे बॉलीवुड को देख लीजिए तो एक जमाने में जो हमारा सेंसर बोर्ड था वो हल्की फुल्की सीन भी होते तो उनको काट देता था। ठीक है, हल्का सा भी अगर उसमें मसाला सीन है काट देता था। आज के जमाने में देखिए पता नहीं क्या क्या चल रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपनी सोच का पश्चिमीकरण करना है, हमें पश्चिम के देशों से, हम लोग सीख रहे हैं कि पश्चिम के देशों में तो ये चलता है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमारी भारतीय परंपरा उन चीज़ों को अलाउ नहीं करती है। हमारा जो पूर्व में, हम जो पूर्वी देश हैं, हमारा जो पूर्व में संस्कृति है, हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी संस्कृति कम से कम 10,000 साल पुरानी है और उनकी संस्कृति को जुम्मा जुम्मा पैदा हुए अभी 3,000 साल भी नहीं हो रहे। अच्छा, है ना, तो इसका फर्क है, लेकिन ये फर्क हम भूल चुके हैं क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है। हम उनके जैसे बनने के चक्कर में अपने आप को खोते जा रहे हैं, ये भी हमें सोचना होगा। और उसके अलावा बात करें अगर क्षेत्रीय विशेषता की, वो भी कहीं ना कहीं खो रही है, वो भी जा रही है क्षेत्रीय विशेषता। अब देखो इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम लोग के आजकल शादी होती ना, शादी में अब रिसेप्शन चालू हो गया है, हालांकि बुरी बात नहीं है, लेकिन वो हमारी परंपरा नहीं है, पहले नहीं होता था। हमारी शादियों में आजकल जब दुल्हन को लाया जाता है मंडप में तो ऊपर से वो क्या चुनरी लेकर के आते हैं भाई लोग, वो हमारी नहीं है, वो पंजाबी परंपरा है, पंजाब की परंपरा है, हम लोगों ने उसे अपना लिया, हमने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, वैसे ही अभी कुछ जगहों पे मैं देख रहा था कि बियर से भी, हल्दी में बियर से वो भी कर रहे हैं, जो कि मतलब क्या ही कहें उसके बारे में, वो कितना गलत है। और ये प्रॉब्लम क्या है कि हमारे खुद के सामाजिक विवेक की, एक हमारा जो सामाजिक कलेक्टिव विवेक होता है ना, उसके बारे में बात है, या फिर हम अपने आप को हीन समझ रहे हैं। हम अपने आप, हमारा अपना खुद का पर्सनल लेवल पे विवेक जब खोता है ना, जब एक इंसान का अपना विवेक का ह्रास होता है तो सामाजिक चेतना का भी ह्रास, सामाजिक विवेक का भी ह्रास साथ में होता है। देखो होता क्या है ना, गाना बजा
एक व्यक्ति ने सोचा, 10 लोग खड़े हैं साथ में, एक व्यक्ति ने सोचा हल्का हल्का नाचना शुरू किया, उसके साथ के 8 लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि अरे ये तो चलता है क्योंकि ये नाच रहा है, 4 लोग नाचेंगे, एक जना जिसको शायद उस गाने पे मे भी आपत्ति हो सकती है वो अपनी आपत्ति को भूल जाएगा ये सोच के कि मेरे साथ के 4 लोग इस पर नाच रहे हैं, या तो भूल जाएगा या फिर हट ही जाएगा, या तो हट ही जाएगा, या तो खुद वो हट जाएगा या तो फिर उस गाने पे डांस करेगा, क्योंकि किसी को रोक तो सकते नहीं, रोक आप सकते नहीं हो। और आपके अंदर ये है कि एक वो जो सामाजिक बहिष्कार की भावना होती है ना कि मेरा सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, इस भावना के डर के चलते लोग उस गाने को रोकेंगे नहीं, उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि 10 लोग अगर उस पर नाच रहे हैं, 9 लोग नाच रहे हैं, एक जना उसमें से बोल दे आकर के, एक व्यक्ति आकर के कह दे कि यार गाना गलत है इसको मत बजाओ, तो वो 9 लोग उसका विरोध करेंगे, वो बुरा बन जाएगा, वो फिर वो एक व्यक्ति बुरा बनेगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार होने का उसको डर है, तो उस वजह से वो वहां पर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में, हमारे समाज में हमें अपने विवेक के साथ ये चलना जरूरी है, हमें ये देखना जरूरी है कि जो हम आज के दिन में कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी उससे एक कदम आगे या दो कदम आगे जाएगी, और उस समय पर जो हो रहा होगा हम उसे रोकने के अधिकारी नहीं होंगे, नहीं होंगे बिल्कुल, क्योंकि अभी हम नहीं कुछ कह रहे तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि हमने वो चीज करी है, हमने अगर उनको रोकने की कोशिश करी तो वो हमें कहेंगे कि तुमने भी तो अपने टाइम में भैया ये सब करा है तो तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो, तो हम लोग भी तो उसमें बुरे हैं, हम अपने बच्चों को नहीं समझाना चाह रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए समाज के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं। तो इस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल अगर किया जाए तो किस तरह से कंट्रोल किया जाए, मेरा तो सारे व्यूअर्स से, तुम्हारे चैनल के जरिए सभी व्यूअर्स से मेरी ये अपील है कि इस तरीके के गाने यदि आपके गाँव में बजते हैं तो उसका विरोध किया जाए, उसका विरोध करिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, इंजॉय करने के लिए गानों की कोई कमी नहीं है, पंजाबी गाने, भोजपुरी गाने, बहुत सारे अच्छे गाने हैं जिनमें बीट्स हैं अच्छी खासी, आपको अगर डांस करना है तो आप उसमें बहुत प्यार से डांस, लिरिक्स अच्छे हैं, लिरिक्स अच्छे हैं, बीट्स अच्छी हैं, हमारे पहाड़ी गाने इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, आप चाहें तो उसमें बहुत आराम से डांस कर सकते हैं, इन फूहड़ गानों की हमारे समाज में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन गानों को यदि आपको पसंद है गाने, अगर आपको लगता है कि गाने बहुत अच्छा है, उसकी बीट मुझे अच्छी लग रही है, आप अपने कान में हेडफोन लगाइए, अकेले में सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका इस तरीके के गाने को सुनने से आपका स्वयं का जो एक आपका जो स्वयं का अपना जो विवेक है, अपना खुद का जो एक चेतना है, उसका स्तर गिरता है, वो गिरेगा, अगर आप एक व्यक्ति का चेतना का स्तर इस तरह के गानों से गिरता है ना, तो वो कल के दिन में दूसरे को भी इम्पैक्ट करेगा और दूसरे का भी चेतना का स्तर गिरेगा उससे, क्योंकि वो दूसरे को बोलेगा कि ये चलता है, क्योंकि वो बोलेगा कि ये चलता है, ये गाना तो अच्छा है, चलता है, अगर वो दूसरे को सिखाए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती बोलते ना, आज एक गाना चल रहा है, कल के दिन में ऐसे ही सैकड़ों गाने उभर के आ जाएंगे, क्योंकि इस गाने पे व्यूज मिलेंगे ना, तो इसके कंटेंट इसको इसके क्रिएटर को वो मिलेगा, उत्साह मिलेगा कि मेरा तो गाना चल गया, तो वो इससे भी बुरा गाना बनाएगा अगली बार, वो इससे भी बुरा गाना बनाएगा और आप उसे भी एक्सेप्ट करेंगे और ये गाना समाज में चलेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ये महसूस होगा कि हम एक जो मर्यादा की सीमा होती है ना वो पार कर चुके हैं, और उस समय वापस लौटने का रास्ता नहीं होगा, नहीं होगा, उस समय वापस आने का रास्ता बंद हो चुका होगा, बंद हो चुका होगा, तो इसे हमें यहीं पर रोकना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजदा, आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात को, इस टॉपिक को रखा, तो मेरे व्यूअर्स से भी यही गुजारिश है कि अगर आपके आसपास ये गाना बजे तो कम से कम एक बार डिस्कस करके आपस में, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, डीजे का काम है, डीजे जिस व्यक्ति ने लगा रखा है, जो अपना पैसा लेकर के डीजे वाला बंदा आया है ना, उसका काम है अपनी अपनी जो कस्टमर्स हैं बेसिकली उनको एंजॉय करवाना, लेकिन अब उसका उसको रोकना, किस तरीके के गाने वो बजाएगा, वो सब चीजें करना आप ही के हाथ में, वो डीजे वाला बंदा तो क्या है, वो तो कुछ भी बजाएगा, वो तो उसकी नौकरी एक तरह से, उसकी एक तरह से नौकरी है, उसको तो आपको एंजॉय करवाना, वो जितना अच्छे तरीके से आपको एक जगह पे एंजॉय कराएगा उसका कस्टमर बेस बढ़ेगा, अगली बार उसको दूसरी जगह ज्यादा काम मिलेगा, लेकिन उसको रोकना या किस तरीके के गाने आपके समारोह में बजेंगे वो डिसाइड करना आपका काम है, आपका काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजदा। तो दोस्तों ये थे हमारे राजदा, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा, और हमारे चाचा जी जो दीवानचा है उन्होंने भी अपनी बात को बहुत बढ़िया से रखा। अब मैं हमारे जो राजदा है, दूसरे राजदा जो आजकल डीजे में बहुत बढ़िया से गाने वाने बजा रहे हैं और पूरे गांव को नचा रहे हैं, आसपास के गांव वालों को भी नचा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करता हूं कि किस तरह से उनको इस गाने की डिमांड आती है या फिर वो इस गाने को खुद बजाना चाहते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो राजदा ये बताइए, जब डीजे में आप गाने बजाते हो, कुछ गाने ऐसे हैं जिनके अगर आप लिरिक्स सुनेंगे, बोल सुनेंगे, तो वो मतलब बहुत ही एक तरह से असभ्य गाने उनको हम कह सकते हैं, हमारे समाज में वो गाने पहले नहीं चलते थे, अब धीरे धीरे चलने लगे, तो क्या वो गाने आप जानबूझ के बजाते हैं या फिर लोगों की डिमांड रहती है, या आप सोचते हैं कि चलो ये गाना बजाएंगे तो ये आज इस पर रील चल रही है तो ये गाने चलेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की डिमांड ये गाने पर कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, लोग बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, ये गाने बजाओ, तो उनके कहने पर ही हम ये गाने बजाते हैं, वरना हमको ये गाना हम बजाना ही नहीं चाहते वैसे, क्योंकि ये गाने कुछ ठीक नहीं है वैसे देखा जाए तो, समाज के लिए उतनी अच्छी नहीं है। अब देखो ना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले एक दो सालों में वो बेड़ू फाकू वाला गाना विलुप्त जैसा हो गया, अब वो कम बज रहा है, नहीं तो पहले गानों में कुछ भी काम होता था वो पक्का बजता था, इस सीजन में आपने ध्यान दिया कितना बजा वो गाना बेड़ू फाकू जो पुराना गाना था? मुशीरी बजाई गाना है ना, गाना बजा ही नहीं है, बजा नहीं है,
क्योंकि ये पता नहीं, मुझे भी दो चार साल में मैं ध्यान दे रहा हूँ तो इस गाने जैसे बेड़ू पाकू जैसे पुराने गाने हैं या फिर हीरा सिंह राणा के जो पुराने गाने थे वो अब बजने बंद हो गए हैं। नए गाने अच्छे आ रहे हैं लेकिन जो बाहर के हरियाणवी गाने हैं, गुजराती गाने हैं और उनके बोल बहुत ही बेकार हैं, वो ज़्यादा बज रहे हैं। तो इस पे मतलब आपका कहना है कि लोगों की डिमांड रहती है ये गाने बजाने की? डिमांड भी रहती है, फिर आजकल के लौंडे मोड़े हैं, पहले जो हमारे टाइम के सीनियर बंदे थे, जो वो बंदे थे तो उनकी फरमाई अलग थी। वो पुराने गाने वो करते थे, क्या नाम बोलते हैं, जैसे कि पुराने गाने में ललित मोहन जोशी हो गया या कोई और सिंगर हो गया, हीरा राणा हो गया, नरेंद्र नेगी हो गए, वो हो गए तो वो बजाते थे। आजकल के लौंडे मोड़े पे वही गाने चलते हैं आजकल, चुन्नी में चुन्नी में, हाँ चुन्नी में जैसे हो गया, और दूसरा लौंडिया लंदन से लाएंगे, लंदन का वीजा है नहीं लेकिन लौंडिया लंदन की चाहिए, और अगर वो गाने सुनोगे तो बहुत ही अश्लील गाना एक तरह से हम कह सकते हैं उसको। तो ये आपका मानना है कि इनको थोड़ा थोड़ा करके कम करना चाहिए, गाँव में ऐसा भी पहल हो सकती है कि ये गाने नहीं बजे तो अच्छा है? ना ना, वो गाने बजने ही बजने हैं, क्योंकि लौंडे मोड़े अगर वो गाने नहीं बजेंगे तो लौंडे मोड़े डांस ही नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे पक्का। तो ये तो दोस्तों राजदा पिछले कई साल से डीजे में काम कर रहे हैं तो उनका ऐसा कहना है। आप भी अपना कमेंट करें कि अगर ऐसे गाने आपके गांव में नहीं बजे तो क्या डांस नहीं होगा, कमेंट करके बताएं जरूर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आज हमने बातचीत की कि किस तरह से जो कुछ गाने हैं जो हमारे समाज में धड़ल्ले से बज रहे हैं और उन पे डांस हो रहा है, किस प्रकार वो हमारे समाज को धीरे धीरे दूषित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके आसपास भी क्या इस तरह के गाने बज रहे हैं, अगर बज रहे हैं तो वो किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम।